राहुल गांधी अब शिवराज सिंह के निशाने पर है। जेएनयू जाकर लगता है राहुल गांधी ने गड्ढे में पैर रख दिया है। तभी तो एक एक कर बीजेपी के सभी बड़े नेता के निशाने पर हैं राहुल। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी को निशाने पर लेते हुए कहा कि देश विरोधी अभियान चलाने वाली जगहों पर जाने के लिए उन्हें शर्म आनी चाहिए। शिवराज सिंह ने भारतीय जनता युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अधिवेशन में राहुल पर निशाना साधा। समाज के हर वर्ग का कल्याण, ये कांग्रेस हमें किसान की बात करती है, गरीब की बात करती है, क्या बात, कौन से काम किए गरीबों के लिए कांग्रेस ने कभी बताए? तो 60 साल तुमने सरकार चलाई, गरीब गरीब करते रहे, गरीब का खून चूसते रहे, उसका शोषण करते रहे। ये मोदी जी की दिल्ली में सरकार है जो गरीबों के लिए एक नहीं अनेक योजनाएं बनाती है, उनके कल्याण के लिए जनधन योजना, गरीबों के बीमे की योजना, सिंचाई की योजना है, और अब तो हेल्थ की योजना गरीबों के लिए जो बीमे की प्रधानमंत्री जी ने बनाई है, मैं उसके लिए उनका अभिनंदन करना चाहता हूँ, उनका स्वागत करना चाहता हूँ। क्या करेगी कांग्रेस गरीबों के लिए? अरे देखना है कांग्रेस के मित्रों, आओ भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों में, गरीब को क्या चाहिए? रोटी चाहिए, कपड़ा चाहिए, मकान चाहिए, पढ़ाई लिखाई और दवाई का इंतजाम चाहिए, रोटी चाहिए। इसलिए मध्य प्रदेश की धरती पर हमने ये फैसला किया कि 1 रुपया किलो गेहूँ देंगे, 1 रुपया किलो चावल देंगे, 1 रुपया किलो नमक देंगे, किसी गरीब को मध्य प्रदेश की धरती पर भूखा नहीं सोने देंगे। कई लोगों ने विरोध किया कि ये टैक्स पेयर का पैसा है, 15 रुपया खरीदोगे, 1 रुपया बांटोगे, ये न्याय नहीं है। हमका यही न्याय है, मैं चाहता हूँ कि एक दिन की मजदूरी में महीने भर का राशन आ जाए, तो लोगों का बाकी दिन की मजदूरी का क्या करेंगे? हमका कपड़े खरीदेंगे, बर्तन खरीदेंगे, साइकिल खरीदेंगे, रेडियो खरीदेंगे, और कोई कोई टीवी भी खरीद लेगा भाई। अरे गरीबों के बच्चों को भी टीवी देख लेने दो, उनको भी जीने का हक है, उनको भी मुस्कुराने का अधिकार है, बोलिए न्याय नहीं है? मैंने कहा यही न्याय है। भगवान ने धरती बनाई तो सबके लिए बनाई, पानी बनाया तो सबके लिए बनाया, बनाया कि नहीं बनाया? खदाने बनाई तो सबके लिए बनाई, बनाई कि नहीं? लेकिन सबके पास तो नहीं है, तो जिनके पास है उनसे हम टैक्स लेंगे, और जो खाली हाथ आए हैं उनको सस्ता बांट देंगे। यही सामाजिक न्याय है, यही पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने कहा था कि जो सबसे पीछे सबसे नीचे, जो सबसे गरीब है सबसे दुखी है, वो ही तुम्हारा नारायण है, उसकी सेवा कर लो तो समझो भगवान की पूजा हो जाएगी। और जो सस्ता राशन मध्य प्रदेश की धरती पर दिया, निःशुल्क दवाइयाँ, सरदार वल्लभ भाई पटेल दवा वितरण योजना, सारे शासकीय अस्पतालों में दवाइयाँ फ्री, मेडिकल चेकअप फ्री, एक्सरे फ्री, अल्ट्रासाउंड फ्री, सोनोग्राफी फ्री, और अब तो कीमोथेरेपी भी फ्री और डायलिसिस भी फ्री जिला अस्पतालों में हमने व्यवस्था की है। ये गरीबों के लिए किया है, तो मध्य प्रदेश की धरती पर किया है। हाउस फॉर ऑल, सबको मकान, ये प्रधानमंत्री जी की योजना है। क्यों नहीं मिले अब तक सबको मकान? मध्य प्रदेश की धरती पर चलो मेरे मित्रों, हमने संकल्प लिया है, हमने फैसला किया है। वर्षों हो गए कई गरीबों को छोटा मोटा सरकारी जमीन का टुकड़ा मिला या कोई निजी जमीन का टुकड़ा मिला, छोटी मोटी झोपड़ी बनाई और उस झोपड़िया में रह रहे हैं। उनके पास कई बार प्रशासन के लोग पहुंचते हैं, अतिक्रमण कर लिया है, हटा देंगे, तोड़ देंगे, मिटा देंगे। युवा मित्रों, मध्य प्रदेश की धरती पर हमने फैसला किया है कि जो गरीब कई वर्षों से जिस जमीन पर मकान झोपड़ी बना के रह रहा है, कोई माई का लाल उनको हटा नहीं पाएगा, पट्टा दे के परमानेंट मालिक उसको बनाया जाएगा। इसका अभियान मध्य प्रदेश की धरती पर हमने प्रारंभ किया है, और उसके बाद प्रधानमंत्री जी की योजनाओं के साथ मिलकर सबको मकान मिले, इसका अभियान हम शुरू कर रहे हैं। कोई बिना मकान का, कोई बिना छत का भाजपा शासित राज्यों में नहीं रहेगा, ये हमारा संकल्प है, उस दिशा में हम तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। और बच्चों की पढ़ाई लिखाई मेरा संकल्प है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के नाते, कि मध्य प्रदेश में हम ऐसी स्थिति पैदा करेंगे कि धन के अभाव में कोई बेटा बेटी बिना, जनता पार्टी नौजवानों की पार्टी अगर आज के जमाने में है कोई तो कौन है? अरे कौन सी पार्टी है? केवल भारतीय जनता पार्टी, विकास की नई इबारत मोदी जी के नेतृत्व में पूरे हिंदुस्तान में लिखी जानी है। और इसलिए युवा मोर्चे के कार्यकर्ताओं को मैं केवल एक ही आह्वान करता हूं कि हमारे खिलाफ जो जहर फैलाने की कोशिश हो रही है, वातावरण बिगाड़ने की कोशिश हो रही है, अरे ऐसी कांग्रेस, शर्म आती है, लज्जा आती है कांग्रेस का स्वरूप देख के। वो कांग्रेस जिसमें कभी महात्मा गांधी रहे हो, उस कांग्रेस के उपाध्यक्ष आज जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में जाए और देशद्रोहियों के पक्ष में
अभियान चलाएं, शरम आनी चाहिए राहुल गांधी जी, शरम आनी चाहिए। क्या हालत आज कांग्रेस की हो गई? हम कहना चाहते हैं, खुलेआम कहना चाहते हैं, सरेआम कहना चाहते हैं, पूरा भारत हमारा है, हम सबके सेवक हैं, हम विद्वेष की राजनीति नहीं करते। भारतीय जनता पार्टी दोनों बाहें फैला के सबको गले लगाती है। अमित जी के नेतृत्व में हम आगे बढ़ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी वैश्विक नेता हैं, दुनिया उनके नेतृत्व को स्वीकार कर रही है, समाज के हर वर्ग के कल्याण के काम कर रहे हैं। मोदी जी हमारे आदर्श हैं, हम सबको गले लगाएंगे। लेकिन कान खोल के दुनिया ये सोच ले कि भारत माता के खिलाफ अगर कोई बोलेगा तो भारतीय जनता पार्टी कभी सहन नहीं करेगी। बहनों और भाइयों, राष्ट्रद्रोह किसी भी कीमत में स्वीकार नहीं है। ये डंके की चोट भारतीय जनता पार्टी कहना चाहती है। इसलिए युवा मोर्चे के कार्यकर्ताओं, गांव गांव जाओ, अलख जगाओ, जागरण का मंत्र फूको, जो नहीं समझे उनको भी समझाओ, मोदी जी की योजनाएं गांव गांव तक ढंग से ले जाओ और एक एक नौजवान में उत्साह का संचार करो। आप सबको मेरा केवल यही निवेदन है, युवा मोर्चे के सभी कार्यकर्ताओं को, कि ये समय बैठने का नहीं है, ये योजनाओं को गांव गांव ले जाने का समय है। और इसके लिए परिश्रम की पराकाष्ठा करो, प्रयत्नों की परिसीमा करो। बचपन में मैंने किसी महापुरुष से यह सुना था कि अच्छा कार्यकर्ता कौन, तो मैंने जो सुना था वो तुम्हें सुना के अपनी बात समाप्त करता हूँ। पाँव में चक्कर, मुंह में शक्कर, सीने में आग और माथे पे बर्फ, ये चार गुण चाहिए। पाँव में चक्कर मतलब चरेवेती, अपने कार्य क्षेत्र में लगातार घूमते रहो, लगातार प्रवास करते रहो, दौरा करते रहो। बयान जारी करने से भला नहीं होने वाला, केवल कार्यालय में बैठक करके कुछ नहीं होने वाला। अपना कार्य क्षेत्र मंडल है तो मंडल, जिला है तो जिला, प्रदेश है तो प्रदेश, बस प्रवास करते रहो। पाँव में चक्कर और मुंह में शक्कर मतलब अच्छा बोलो, प्रिय बोलो, कार्यकर्ताओं से स्नेह से और प्रेम से बोलो। अपना कार्यकर्ता और कुछ नहीं चाहता, और इसलिए ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, आपों को शीतल करे और शीतल होए। मुंह में शक्कर और सीने में आग मतलब काम करने की आग, एक तरफ कि मेरे यहाँ हमारा संगठन सबसे बेहतर होगा, सबसे अच्छा होगा, उसके लिए मैं कोई कसर नहीं छोड़ूंगा, बढ़िया से बढ़िया काम, समाज के हर वर्ग में काम, सर्वस्पर्शी भाजपा, सर्वव्यापी भाजपा, वो खड़ा करके दिखाऊंगा। तो मैं करके दिखाऊंगा। ये सीने में आग और माथे पे बर्फ मतलब दिमाग ठंडा होना चाहिए। कई बार उल्टा हो जाता है, सीने में आग होती नहीं, राख ही राख होती है, और दिमाग हमेशा गर्म रहता है तो उससे काम बिगड़ता है। और इस मूल मंत्र को लेके अपने कार्य क्षेत्र में जाइए। मोदी जी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है, ये पूरे देश में जाके अपने अपने कार्य क्षेत्र में बताइए। मैं फिर कहता हूँ, नरेंद्र मोदी जी भारत को भगवान का वरदान है, नौजवान कार्यकर्ताओं भगवान का वरदान है सचमुच में। ऐसा प्रधानमंत्री सचमुच में गर्व होता है, कहां से कहां देश पहुंच रहा है, उनके साथ हम खड़े हैं, उनकी नीतियों को गांव गांव ले जाएंगे। और आने वाले चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी सफलता का झंडा फहराएगी और 2022 तक मोदी जी के नेतृत्व में भारत को दुनिया का सर्वश्रेष्ठ राष्ट्र दुन बनाएगी, विश्व गुरु बनाएगी। इसी संकल्प के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। बस एक और, स्वच्छ भारत मिशन जैसे जितने सामाजिक अभियान माननीय मोदी जी ने प्रारंभ किए, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे जितने अभियान माननीय मोदी जी ने प्रारंभ किए, पर्यावरण बचाने जैसे जितने अभियान मोदी जी ने प्रारंभ किए, आओ उन सबको हम सफल बनाने का संकल्प लें, उनको सफल बनाने का संकल्प लें, उनमें अपनी सक्रिय भागीदारी करें। स्वच्छ भारत अभियान के लिए अपने आप को समर्पित करें, बेटी बचाओ के लिए अपने आप को समर्पित करें, पर्यावरण बचाने के लिए अपने आप को समर्पित करें। गंगा जी के शुद्धिकरण का जो अभियान चल रहा है उसमें अपना योगदान दें, और अपना योगदान देने के लिए आइए हम संकल्प करें कि मोदी जी हम आपके पीछे खड़े हैं, हम इन अभियानों को सफल बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। और ये संकल्प लेने के लिए दोनों हाथ ऊपर उठा के, दोनों मुट्ठी बांध के भारत माता की जय हम सब बोलेंगे। उठाइए दोनों हाथ, बांधिए दोनों मुट्ठी और मेरे साथ बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, अमित शाह जिंदाबाद, और अरुण जेटली जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। और अब हमारे बीच में हमारे प्रिय वित्त मंत्री अरुण जेटली जी आ गए हैं, आइए अरुण जी का स्वागत कीजिए, अभिनंदन कीजिए।
आइए अरुण जी, आपका स्वागत है। दोनों हाथ उठाकर ताली बजा के अरुण जी का स्वागत कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम, नमस्कार।